दोस्तों जब भी आप इंस्टाग्राम ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा एरर आ जाता है, इंस्टाग्राम अकाउंट आपका सस्पेंड हो जाता है। सस्पेंड होने के बाद दोस्तों आपको अपील मांगता है कि आपका यहाँ पे इंस्टाग्राम का जो यूज, यहाँ पे जो इंस्टाग्राम पर नंबर लगा रखे हो, जो भी आपका जीमेल है, आपको वहाँ पे फिलअप करना है। फिलअप कर दिए, उस पर एक ओटीपी आया, ओटीपी भी आप फिलअप कर दिए हो, तो उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है, यू सबमिटेड एन अपील ऑन, यहाँ पे जो भी डेट होता है, ठीक है, तो जिस डेट का आपका यहाँ पे अपील होता है वही डेट यहाँ पे शो हो जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके सामने यहाँ पे इस तरह का प्रॉब्लम आता है, यू सबमिटेड एन अपील ऑन, यहाँ पे जो भी डेट होता है, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी दिन हो गया जो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड हुआ, आपने अपील भी कर दिया लेकिन आपका इंस्टाग्राम अकाउंट अभी रिकवर भी नहीं हुआ और आपका इंस्टाग्राम अकाउंट डिसेबल भी नहीं हुआ। तो मैं आपको बताता हूँ, एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, कुछ लोग यहाँ पे परेशान हो रहे हैं कि भाई हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट इतना दिन हो गया, अभी यहाँ पे सबमिटेड मैंने कर दिया है लेकिन अभी भी अपील यहाँ पे कुछ इस तरह का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट हैक तो नहीं हो जाएगा, काफ़ी लोग इस चीज़ को लेकर परेशान हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक होना होता, इंस्टाग्राम टीम जो आपके इंस्टाग्राम अकाउंट को चेकआउट करती है, अगर आपके इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसी गलती पाती है तो आपका इंस्टाग्राम 2 से 3 दिन में या फिर लास्ट आपको यहाँ पे एक हफ्ता में आपका इंस्टाग्राम अकाउंट जो होता है यहाँ पे डिसेबल या फिर बंद कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आपका यहाँ पे 1 सप्ताह से ज़्यादा हो गया है लेकिन आपका इंस्टाग्राम अकाउंट अभी सस्पेंड नहीं हुआ है, कहने का मतलब है डिसेबल नहीं हुआ है, बंद नहीं हुआ, बस आपके सामने यू सबमिटेड एन अपील का ही ऑप्शन आ रहा है, तो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा, यानी कि कहने का मतलब है आपका इंस्टाग्राम अकाउंट बिल्कुल सेफ है, आपका आईडी डिसेबल नहीं होगा। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके सामने कुछ ऐसा ही इंटरफेस आ रहा है, अभी भी आपने यहाँ पे देखा तो आपका वैसे ही सेम आ रहा है, काफ़ी दिन हो गया, काफ़ी महीने हो गए, फिर भी आपका इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड ही दिखा रहा है, अभी आपका इंस्टाग्राम अकाउंट रिकवर नहीं हुआ। तो आज की इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा इस अकाउंट को रिकवर कैसे कर पाओगे, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर पाओगे। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम से बैक चले आना है, आपको एक ब्राउजर ओपन करना है, जो होगा जो आपका यहाँ पे क्रोम ब्राउजर होता है, आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। जैसे ही ओपन करते हो आपको यहाँ पे सर्च बार में चले आना है, आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंडेड, आपको इतना लिख करके आपको यहाँ पे सर्च बार पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करते हो फिर आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, लर्न मोर अबाउट योर अकाउंट इंस्टाग्राम हेल्प सेंटर, आपके सामने यहाँ पर मिलेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करते हो फिर आपके सामने यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, नीचे स्क्रॉल करते हो तो। लेकिन आपको मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे वाज दिस हेल्पफुल, क्या करना है आपको, यहाँ पर क्लिक करना है यस वाले ऑप्शन पे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका यहाँ पे यस और नो का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो मैंने आपको यस बताया तो सॉरी, उसके लिए आपको नो पर क्लिक करना है क्योंकि अभी आपका कोई भी हेल्प नहीं हुआ है। तो आपको क्या करना है, नो पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही नो पर क्लिक करते हो फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सबसे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा अदर का, आपको वहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे ऑप्शनल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, अब आपको क्या करना है, ऑप्शनल में चले जाना है। आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से टाइपिंग करना है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप कॉपी पेस्ट बहुत ही आसानी से कर सकते हो। आपकी जो इंस्टाग्राम अकाउंट है रिकवर होने के 100% चांसेस रहते हैं, तो आपको क्या करना है, इस चीज़ को ट्राई ज़रूर करना है। सो गाइस यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से कॉपी पेस्ट कर लेना है, ठीक है, जो भी यहाँ पे लिखना है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, कुछ इस तरह से आप भी जा करके लिख सकते हो या फिर कॉपी पेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर लिखने के बाद गाइस आपको क्या करना है, आपको इंस्टाग्राम का यूजर नेम यहाँ पर दे देना है। यूजर नेम यहाँ पर देने के बाद गाइस यहाँ पर आपको एक ईमेल भी देना होगा, ईमेल पर आपको यहाँ पे जो भी यहाँ पे रिस्पॉन्स होगा आपको ईमेल पर बता दिया जाएगा इंस्टाग्राम टीम के द्वारा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ईमेल भी आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है, अपना जो भी आपका ईमेल है यहाँ पे डाल देना है और यूजर नेम डाल देना है। बस इतना लिखने के बाद गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, सबमिट पर क्लिक कर लेना है। सो गाइस यहाँ पर ईमेल और यूजर नेम डाल करके आपको यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, थैंक्स योर फीडबैक हेल्प इंप्रूव दिस आंसर फॉर एवरीवन, कुछ इस तरह का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। जो भी आपने यहाँ पे सबमिट किया है यहाँ पर कुछ इस तरह का आपकी जो प्रॉब्लम है 110% सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर थैंक्स लिखा हुआ मिल जाता है आपके सामने। कुछ इस तरह से आप भी यहाँ पे जो मैंने आपको बताया है यही आईडी आपको भी करना है अपने इंस्टाग्राम के लिए, आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड है 100% रिकवर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं आपको वेट करना पड़ेगा, हो सकता है 2 से 3 दिन लग जाए या फिर 1 वीक्स भी लग सकता है, लेकिन आपकी जो प्रॉब्लम है 110% सॉल्व होगी। आपको अपना ईमेल यहाँ पे डाल देना है, ईमेल पर आपको नोटिफिकेशन यहाँ पर आ जाएगा, जो भी जैसा भी यहाँ पे रिस्पॉन्स होगा आपको इंस्टाग्राम की तरफ आपसे मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अन्य हेल्प के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।